अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है फिरोज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ Realme के एक स्मार्टफोन के बारे में, जो कि Realme पाकिस्तान में के अंदर अगले मंथ लॉन्च करने वाला है। जो एक्सपेक्टेड उसकी लॉन्च डेट आ रही है और इंडिया में वो कुछ टाइम तक ही लॉन्च कर देगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डिवाइस की बात करेंगे कि इस डिवाइस में क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे और इस डिवाइस को लॉन्च करने के लिए बेसिकली क्या वजह है, Realme क्यों इस डिवाइस को लॉन्च कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्पेक्स वगैरह भी बताऊंगा, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस भी बताऊंगा, एक्सपेक्टेड लॉन्च भी बताऊंगा। तो आइए आपका जायका नर्वस करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं जिस मोबाइल की बात कर रहा हूँ, आपने थंबनेल वगैरह में वैसे तो देख ही लिया होगा, Realme 5S के नाम से Realme वो स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसके इंडिया में तो र्यूमर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो और वो ये शो कर रहे हैं कि वो Realme 5 के मतलब Realme 5 के जैसा Realme 5 से मिलता जुलता स्मार्टफोन होने वाला है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, वो जैसे मैं आपको स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा वो आपको पता लगेगा कि क्या चेंजिंग आएगी और वजह भी बताऊंगा क्यों चेंजिंग Realme लेके आ रहा है। तो बेसिकली ये Realme से मिलता जुलता Realme 5 से मिलता जुलता ही स्मार्टफोन है। इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, जैसे डिस्प्ले आपको Realme 5 वाला ही मिलता है, 6.5 इंच वाला वाटर प्रूफ नॉच वाला 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल रहा है। अब यहाँ पर एक डिबेट थी कि आपको 1080p फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको नहीं प्रोवाइड किया गया। 720p की रेजोल्यूशन के साथ ही आपको यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है और ये बात कंफर्म भी है, एक किस्म की कंफर्म ही हो चुकी है, क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज से ये बात पता लगी है कि 720p और 6.5 इंच का यहाँ पर आपको Realme 5 वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो चिपसेट है वो भी आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि Realme 5 में भी आता है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, प्रोसेसर में भी कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें आपको जो रैम स्टोरेज वाले वेरियंट्स हैं वो भी वही देखने को मिलेंगे, 3GB 64GB 4GB 64GB वाले वेरियंट। इसके अलावा कैमराज जो है इसके, तो कैमराज डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको चेंजिंग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना डिजाइन डिपार्टमेंट में चेंजिंग देखने को मिलती है, ओवरऑल इतनी आपको कोई इस डिवाइस के अंदर चेंजिंग देखने को नहीं मिलती। बैटरी भी इसकी सेम है 5000mAh, सिर्फ आपको कैमराज डिपार्टमेंट के अंदर चेंजिंग देखने को मिलती है। तो इसका जो मेन सेंसर है सिर्फ वो एक चेंज किया गया है, जो कि 48MP का यहाँ पर लगाया गया है। और अब यहाँ पर शायद आपको पता लग गया हो कि 48MP किस वजह से यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि अगर हम Realme 5 को Redmi Note 8 के साथ कंपेयर करें तो Redmi Note 8 जो है Realme 5S को लॉन्च किया जा रहा है Redmi Note 8 के कंपैरिजन में, क्योंकि Redmi Note 8 आपको 48MP का सेंसर प्रोवाइड कर रहा है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। अब Realme ये ने यहाँ पर कंपटीशन तो रखा है, लेकिन फुल HD प्लस यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं किया। अब ये इसका प्राइसिंग के हिसाब से हो सकता है Realme कम कर दे, लेकिन यहाँ पर आपको इस डिवाइस के अंदर Realme 48MP का सेंसर प्रोवाइड करेगा। बाकी आपको यहाँ पर 4 कैमरास का सेटअप तो देखने को मिलता ही है, जो 8MP का सेंसर है वो अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2MP का मैक्रो लेंस है और एक आउटपुट डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, बाकी सेटअप वही पिछला है। फ्रंट कैमरे पर भी आपको यहाँ पर 13MP का सेंसर देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल जो स्मार्टफोन है वो तकरीबन सेम है, सिवाय एक दो चीज़ों के, जो कि एक 48MP का सेंसर ही यहाँ पर आपको चेंजिंग में प्रोवाइड किया गया है। और एक Redmi Note 8 के कंपटीशन के लिए मेरे हिसाब से तो Redmi Note 8 के साथ कम्पीट करने के लिए Realme ने डिवाइस लॉन्च किया है, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट में और डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में Realme 5 जो था वो Redmi Note 8 से पीछे था। ऑल्दो प्राइस भी कम थी Realme 5 की, लेकिन अब प्रॉपर कंपटीशन के लिए Realme 5S को लॉन्च किया जा रहा है और फुल HD प्लस यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन डिस्प्ले की नहीं प्रोवाइड की गई, जो कि मुझे इतनी कोई अच्छी बात नहीं लगी कि अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान में इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की और प्राइस की, इसकी क्या प्राइस होने वाली है। तो 28,000 से 29,000 की इस स्मार्टफोन की प्राइस होगी। तो 3GB 64GB वाला जो वेरिएंट इसमें लॉन्च किया जा रहा है, वो उम्मीद ये है कि 27,000 से 28,000 के करीब लॉन्च किया जाएगा वो वाला वेरिएंट, और 4GB 64GB वाला आप 30,000 के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Realme 5S का जो वेरिएंट है इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, रेड कलर ऑप्शन, पर्पल और ब्लू, ये कलर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और रेड कलर आपको Realme 5 के अंदर नहीं देखने को मिला था पाकिस्तान में, लेकिन Realme 5S के अंदर आपको रेड कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको कलर ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा मिल रही है। और इसके अलावा Redmi Note 8 के साथ कंप्लीट कर रहा है ये स्मार्टफोन। तो Redmi Note 8 मेरे हिसाब से अगर इसी प्राइस के हिसाब से ये Realme 5S लॉन्च होता है तो Redmi Note 8 मेरे हिसाब से फिर भी बेटर ऑप्शन ही है, क्योंकि इसमें आपको ग्लास बैक भी देखने को मिलती है,
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी हो जाती है वो। उसके अलावा आपको फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले भी मिलता है उसके अंदर, और इसके अलावा उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिलता है जो कि इसमें भी प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से रेडमी नोट 8 अगर ये रियलमी 5S इसी प्राइस के साथ लॉन्च होता है तो वो एक बेटर ऑप्शन होगी आपके लोगों के लिए। इसके अलावा एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो इस स्मार्टफोन की निकल के आ रही है वो है 5 दिसंबर 2019। मतलब अभी कुछ टाइम है स्मार्टफोन को लॉन्च होने में, तकरीबन 15 से 20 दिन इस स्मार्टफोन को लॉन्च होने में पाकिस्तान के अंदर लगेंगे। तो अब ये भी मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जैसे मुझे कंफर्म होगी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर मुझे कंफर्मेशन होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो एग्जैक्ट लिख दूंगा कि क्या इसकी प्राइस वगैरह और क्या इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च, मतलब किस दिन ये लॉन्च होगा। अगर जब जैसे मुझे कंफर्म होगा वह वो नीचे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मैं आपको फिर बता दूँ कि एक्सपेक्टेड है, तो अगर ये थोड़ी बहुत आगे पीछे होते हैं तो आप ज़्यादा हाइपर ना होइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा गालियाँ ना दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भाई कोई अंतर ही हमें बाबा नहीं, मुझे भी इतना कुछ कंफर्म नहीं पता। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।